नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उसमें एक कमेटी गठन कर लिया जाए कि कौन दिन में सेवा दे सकते हैं, कौन रात में सेवा दे सकते हैं। अगर इस तरह से पहल होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जान बच सकता है, जिसके कारण आज बाहर लोग चले जाते हैं, पटना दम तोड़ता है बीच बीच में जा करके। और सरकारी अस्पताल का तो यह आज का आप तारीख देख लें, सरकारी अस्पताल में बहुत सारे उनपे हर रोज ना एक उनके ऊपर मुद्दा निकलता ही रहता है। तो सरकारी अस्पताल भी आज के तारीख में सजग नहीं है। तो मैं चाहूंगा सरकार के द्वारा, खास करके डीएम साहब के द्वारा, जो डीएम साहब कृपया कर झाझा में एक बार आप संगन दौरा कीजिए और झाझा में आ करके देखिए कि यहाँ की हालात कैसी है। हालात बद से बदतर है। और यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ कि जो यहाँ पे बेड का इंतजाम है, बेड पे चादर का इंतजाम नहीं होता है, बोलने पर चादर का इंतजाम किया जाता है, मतलब चेहरा देख करके चादर इंतजाम होता है। और डॉक्टर फोन पर आते हैं, कभी कभी डॉक्टर नदारत रहते हैं अपने अस्पताल से, ड्यूटी पर से। तो चाहूंगा कि इन लोगों का सिस्टम बहुत बढ़िया, और झाझा अस्पताल में कोई भी सिस्टम सही चीज से ना एक्सरे का सिस्टम सही है, ना ही दवाई का सिस्टम सही है। आधा दवाई तो मरीज बाहर से खरीद के लाते हैं, कोई दवाई यहाँ पर जरूरतमंद दवाई, सिर्फ जरूरतमंद छोटा छोटा दवाई दे देते हैं, बाकी दवाई बाहर। बहुत सारी जन समस्याएं हैं दर्शकों। हमारा चैनल भी स्मार्ट जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से ये मांग करता है कि जन समस्याओं को जरूर से जरूर देखें। जैसा त्वरित कार्रवाई उन्होंने हमारी खबर चलाने के बाद हत्या पुल की मरम्मत का किया था, हम पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि पुल का निर्माण जिस तरह उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए किया, उसी तरह अस्पताल का भी निरीक्षण करें और आलाप की व्यवस्था करने की पुनः कोशिश करें। दैनिक लाइव 24 के लिए जम्मू झाझा से वीरेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट।